दोस्तों, अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन डायरेक्टरों की बात की जाए, यानी कि क्रिएटिव डायरेक्टरों की बात की जाए, तो भाई इस लिस्ट में रामू यानी कि राम गोपाल वर्मा का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि भैया, राम गोपाल वर्मा की फिल्मों की चर्चा लगातार बॉलीवुड के गलियारों में होती आई है उनके यूनिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर। यानी कि भैया, वो जितने एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट इन दिनों किए हैं बॉक्स ऑफिस पर, शायद ही कोई डायरेक्टर इन दिनों कर रहा हो। तो भाई, एक बार फिर से राम गोपाल वर्मा अपने एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्योंकि वो इन दिनों पूरे विश्व का मुद्दा बना हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक नए फिल्म के ट्रेलर का रिएक्शन बोले या फिर रिव्यू। तो दोस्तों, बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टरों में से एक यानी कि राम गोपाल वर्मा ने फाइनली कोरोना वायरस बना दिया भाई। यानी कि भैया, वो लेकर आ रहे एक फैमिली ड्रामा जो कि आधारित होगी कोरोना वायरस के ऊपर। तो भैया, इस फिल्म का पहला ट्रेलर आज ऑफिशियली आउट कर दिया गया सोशल मीडिया पर, जिसको अमिताभ बच्चन ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है। यानी कि भैया, एक बेहतरीन, मैं बोल सकता हूं फैमिली ड्रामा इसे हम लोग कह सकते हैं। यानी कि भैया, अगर आप इस ट्रेलर को देखोगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आएंगी जो कि आप इन दिनों महसूस कर रहे होंगे कि अगर आपके घर में किसी को कोरोना वायरस हो जाए तो उसके साथ आपके घर में ही कैसा व्यवहार होने लगता है। यानी कि भैया, इस वायरस को लेकर कहा जा रहा है कि भैया, ये वायरस लोगों के बीच में दूरियां पैदा कर देगा। ये बातें लगातार हम लोग सुनते आए कि अगर आपके बीच में अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाए तो भैया ऑटोमेटिक आपके फैमिली में सोशल डिस्टेंसिंग दिखना चालू हो जाएगा। यानी कि आप उस बीमार इंसान से खुद ब खुद दूर होते चले जाएंगे, यानी कि उससे आप दूरी बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये बीमारी आपको भी अपना शिकार बना सकती है। और यही मुद्दा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस फिल्म यानी कि कोरोना वायरस में भाई हम सब के क्रिएटिव डायरेक्टर यानी कि राम गोपाल वर्मा। और भाई, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब मैं बोलूंगा कि भैया, जमीन को उन्होंने पकड़ा है कि कोरोना वायरस अगर किसी के घर के अंदर घुस जाए तो उस घर का माहौल कैसा होगा। इस ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि एक बहू है जिसे खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, और उसके बाद पूरे फैमिली का रिएक्शन उस बहू को लेकर कैसा है। ससुर दूरी बना रहे हैं, देवर जो है वो थोड़ा सा हटता है, उसके बाजू में उसकी भाभी आके बैठती है, इवन हस्बैंड भी बैठा होता सोफा सेट पे और उसकी वाइफ उसके सामने से क्रॉस कर रही होती है तो उसके हस्बैंड का भी मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है कि भाई वो भी थोड़ा सा पीछे हो जाता है, यानी कि जीवन संगनी से दूर होता नजर आ रहा है उसका हस्बैंड। यानी कि भैया, ये फिल्म आपको बता रही है कि कोरोना वायरस की वजह से हम अपने सामाजिक जीवन में भी कितने दूर हो सकते हैं खुद के अपनों से। यानी कि भैया, सोशल डिस्टेंसिंग को आप फॉलो करें, नहीं तो ऐसी ही स्थिति आपके परिवार की भी हो सकती है। बताने की कोशिश कर रहे हैं कौन, तो भैया राम गोपाल वर्मा। और इसमें कुछ ऐसा मर्डर मिस्ट्री वाला भी ड्रामा हम सबको देखने को मिलेगा जो कि रामू के फिल्मों का एक ना यूनिक हथियार होता है, जो कि आप इस फिल्म में देखोगे कि लास्ट में ट्रेलर के एंड में आपको दिखेगा एक सीन ऐसा कि जिसमें मोबाइल में जैसे किसी की हत्या होती नजर आ रही है और उसमें फैमिली के लोगों का रिएक्शन शॉक्ड वाला रहता है। यानी कि भैया, इस फिल्म में बहुत कुछ है, कोरोना वायरस तो है ही, सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही, और उसके साथ जांच की प्रक्रिया है ही, और उसके साथ भैया कोरोना वायरस से बचने के खतरनाक तरीके भी दिखाए जाएंगे शायद इस फिल्म में, ऐसा प्रेडिक्शन हो रहा है इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद। तो भाई, इस लॉकडाउन की अवधि में राम गोपाल वर्मा ने कैसे इस फिल्म को कंप्लीट किया, यह भी सोचने वाली बात है भाई। यानी कि मुझे तो लगता है भैया कि उन्होंने इस फिल्म का काम बहुत ही तेजी से किया है, यानी कि भाई 10 से 15 दिनों में उन्होंने इस फिल्म का काम निपटा दिया होगा, और उसके बाद वो खुद ही लगता था कि इस फिल्म का एडिटिंग भी कर रहे थे, और आपको बता दूं कि वो पोस्ट का काम भी लगभग खुद कर लेते हैं। यानी कि भैया, राम गोपाल वर्मा ने सबसे पहले कोरोना वायरस लाने की तैयारी कर ली है सिनेमा घर में। तो कैसा लगा आपको यह ट्रेलर, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। और जिस मुद्दे को उन्होंने उठाने की कोशिश की है, क्या आपको लगता है कि अगर किसी के घर में कोरोना वायरस किसी को हो जाए या फिर कुछ सर्दी खांसी ही हो जाए तो भाई उसकी वजह से क्या ऐसा माहौल बन सकता है, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।